आउज़बिल्ल मिन शैनम बसमीम सलाम्ल आक़ैयतल आज़म इमाम फ़ॉर इंटरनेशनल टी वी करब्लाए से इस वक्त आप प्रोग्राम मुंतज़र मंतज़र तआला तरज शरीफ मुल़ा फ़रमा रहे हैं आज यकुम रजबुलमरजब और विलादत बासादत हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलसला इस अज़ीम मुनासिबत के केनवान से तमाम ममिन की ख़िदमत में जहाँ कहीं पर भी है और बिलखसूस हमारे वक्त के इमाम हज़रत ब़ैतल ला आजम इमाम ज़माना अजल तरजहशरीफ़ की ख़िदमत में अर्ज़ तबरीक व तहनीत पेश करते हैं नहाय ही अज़ीम दिन है दो मुनासिबतें हैं एक जो है वो शहर रजब रजब का महीना और दूसरी तरफ़ वलादत बासादत हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अल्सात वसलाम दोनों अज़ीम मुनासिबतें हैं अगर रजब के रजब को देखा जाए तो हदीस में वारद हुआ है कि अल्लाह ने तमाम चीज़ों में से चार चीज़ों को मनतखब फ़रमाया जैसे कि हदीस में है कियाम ब सैफ़ केनवान से यानी सैफ चार अनब्या को तयन किया गया जिसमें से हज़रत दाऊद हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा व अन यानि खुद रसूल सल्ह सल यानी खुद जो सैफ के साथ तलवार के साथ अल्लाह की राह में दिफा करे इसमें चार नबी को मंतख फरमाया और इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी हैं कि जिनमें से चार चार को मंतख किया फरमाया कि महीनों में से जो चार महीने हैं जिनको अल्लाह है ने इंतखब फरमाया उसमें से एक जो है वो शहर रजबालमराजब है और बरोज़ क़्यामत जब सब लोगों को जमा कर दिया जाएगा तो वहाँ पर आवाज़ आवाज़ दी जाएगी एन रजाबीय कि रजा बून कहाँ है यानी वो लोग जो रजब वाले हैं वो कहाँ कहा है? हैंत ही पुरमसरत महीना है और इसमें सबसे बड़ी मुनासिबत सबसे बड़ी मुनासिबत मुनासिबतों में से एक ये है और दूसरी मुनासिबत खुद तेरा रजब यानी विलादत बासादत हजरत आमिर अलमोम्दी अली उबन तालबल वसलम ये भी यानी कहा जाए कि ये अहलबैत के ख़ुशियों का महीना है जो फरमाया कि हमारे गमों में गम मनाया करो और हमारी खुशियों में खुशियाँ तो ये वो महीना है कि जिसमें तकरीबन मुनासिबतें मौजूद हैं जो अहले अहलबैत के अहले अहलबैत उन मुनासिबतों की वजह से फरह में आए यानी खुशी उनको मिली मसरूर हुए तो एक महीना खुद यह रजब का महीना है और आज की मुनासिबत से हजरत इमाम मोहम्मद बाकर सलामाम की के जहूर का दिन है जो कि तमाम मोमिन के लिए तमाम मुसलमान के लिए बिलखसूस वो मुसलम जो एतक़ाद रखते हैं कि रसूल अल्लाह के बारह बारह जानशें है और उसमें से चौथा हजरत उन जानशीन में से पाँचवा हज़रत इमाम मोहम्मद बाकरलात वाम है खुशी का मौका है पुर्सर्रत मौका है हज़रत के अगर ज़िंदगी पर एक नज़र डाल लिया जाए तो मैं मुख्तसर यह अर्ज़ करूँ कि ख़ुद हजरत आ, के दौर में चूँकि मुश्किल बहुत ज़्यादा थे अवला तो मैं अर्ज़ करूँ यहाँ पर एक मुकदमा मैं छोटा सा अर्ज करूँ सबसे बेहतरीन दौर मजहब शेह के लिए और इस्लाम के लिए सबसे अजीम दौर कौन सा दौर था तो इसका जवाब जो है वो बिल्कुल दो सतर में यही है कि जब हज़रत अमीर अमोमिन की ज़ाहिर खिलाफत कोफा में वाक़ हुई थी बस इसके अलावा और कोई गोल्डन दौर नहीं है इस्लाम इस, का बाज बाजवार में जो है खूनरेजी हुई है बाज़ अदवार में ख़ुद मुस्लिम को कत्ल कर दिया गया है बाज़ार में फिस्क हुआ है बाज़ अदवार में मुस्लिम आपस में लड़े हैं बाज मुख्तलफ़ एतबार से जो है आदवार तारीख़ के औरक अगर उठा के देख लिए जाए तो यकीन तारीख़ के औरक़ जो है वो खून से रंगीन है ये हालात है आप जाके अबू बकर के दौर को देख लीजिएगा अबू बकर के दौर में जो हालात पेश आए हैं वहाँ पर जो हालात पेश आए फिर उसके बाद उमर का दौर है जिसने जो है वो दूसरे मुल्कों मसलन, आ, के ऊपर हमले शुरू कर दिए उसमें से मसला ख़दमत मैं अर्ज़ करूँ कि आर्मेनिया अर्मेनिया, अर्मेनिया अर्मेनिया और इरान ये ये लोग जो थे इन्होंने इनके देखिए इस्लाम में किसी के ऊपर हमला तो नहीं है ये बस ये ये दो टोक लफ्ज़ है कोई अगर काफिर भी है हम किसी काफिरन के ऊपर कोई हमले तो नहीं कर सकते अमां ये कि वो हर भी काफिर हो हर भी काफिर हो तो कर सकते हैं उमर ने सबसे बड़े जो काम किए हैं वो यही है कि उसने खिलाफ खिलाफ रसूल जो है लोगों के ऊपर हमले किए और कत्लारत की इंसानियत को कत्ल करते रहे ये ये हकैक है इसमें इसमें जो है हम आ, ये नहीं कर सकते कि इसमें हम तारीख को बदल लें उस्मान के दौर को आप गौर से अगर देखेंगे तो उस्मान का दौर भी नहायत ही अजीब व गरीब दौर है अपने जाती रिश्तेदारी के आ, जाती रिश्तेदारी में माविया को शाम का गवर्नर बना देना शाम का गवर्नर अपने ताती रिश्तेदारी की वजह से कि भाई वो मेरे आशीरे का है अपने ी आशीरा और तसब में उस्मान ने जो है उसके दौर में माविया इबन अबी सूफीन शाम का गवर्नर बन जाता है और ये अदवार जो है वो फिस्क और फजूर से भरे हुए हैं अब इसमें जैसे लोग जो है वो जो भी कहें खिलाफ इस्लामी काम हुए हैं तारावी जैसी बिद्दत को जो है इसी अदवार में लोगों के लोगों के ऊपर डाल दिया गया है यानी शरीय और अहदाफ को बिल्कुल जो है वो किसी और तरीके की तरफ लेके जाना ये ये इस दौर में हुआ है और फिर जो माविया का दौर आता है तीस हजार लोगों को इस बंदे ने कत्ल कर दिया तीस हजार लोग मुस्लिम थे कुफार थोड़ी ना थे मुस्लिम अपने जाति सियासी और इन मफादात के हसूल के लिए तीस हजार लोगों को कत्ल कर दिया माविया ने और खुद आहिल्म बिलखसूस हज़रत अमीरमोम अलीबल वसलम के सब शतम का सिलसिला इसने रखा तारीख़ गवाह है तारीख़ में लिखा है ये और ये कोई आप जाके तारीख़ तबारी को उठा लीजिएगा तारीख़ तबारी कोई शीयों की तारीख है नहीं आप जाके दूसरे तबारीख ऐसे तबारीख जो कि बिल्कुल शिया मजहब के मैं ये कहूँगा खिलाफ़ में लिखे गए हैं उनमें उन्होंने कुछ तारीखी कुछ और लिखी है उनको आप उठा के देखो वो भी इस चीज़ के कायल है कि माओया इस किस्म के जनायात जो है वह अंजाम दिया करते थे और उसके बाद जो है दौर बन के पास जला जाता है बनुमारवान में से सबसे आ, सबसे वहशी दरिंदा सबसे वहशी दरिंदा खुद मारवान है और फिर मारवान के साथ जो है जो हमकार तबका है हज़ाज जबन यूसुफ काफ़ी इस किस्म के लोग जो है मौजूद है तारीख के अवराक रंगीन कर दिए इन्होंने तारीख़ के औरक रंगीन हो गए खून से रंगीन हो गए ये दौर जो है यानी खुद अमीर अमोमिन के फ़ौर दौर के बाद इमाम हसन मुशतवा सलाम का दौर फिर बी सूफियान की जनायात और उसके बाद सैद शहदा मजलूम करबला की शहादत खुद करबला में और उसके बाद यानी जब जब हजरत की शहादत हुई है फिर उसके बाद वाक्य हर्रा जो आ, तारीख में शर्म शर्मसार तरीन वाक़ है मुस्लिम के लिए वाक़ हरा जो यजीद ने वहाँ कर दिया था और वाक हरम मैं ज़्यादा उस पर तोजी नहीं देना चाहता कि वह किस किस्म का वाक्य था सात सौ कुरान के हाफिज और हदीस को कतल कर दिया गया सात सौ अब ये यजीद कौन है यह बेटा है माविया ने अभी सुफियान का उसके ज़ाति इस शख्स को तयन कर देना खिलाफत के लिए वहाँ पर सिपत रसूल अल्लाह और उनके असाब वफ़ा आयम के साथ जो शहादत हुई है करबला में उसके बाद वाक्य हिर्रा का वाक़ा है हर्रा के वाक्य में इमाम कौन है इमाम सज्जाद ज़ैन अलाबिदी आसलम यहाँ पर जो है हालात इस क़स्म के है कि सात सौ क़ुरान के और हदीस के हफाज को कुरान और हदीस के हाफजों को कत्ल कर दिया गया और मैं एक एक, एक इशारा सिर्फ कर दूं, ज़्यादा जो है वो मैं नहीं कहूँगा इतना कहूँ कि जब वाक्य हिर्रा तमाम हुआ और उसके बाद चूंकि एक इसमें जो फौज है वो अक्सर यहूदी थे और मुस्लिम को वैसे भी पसंद नहीं करती यजीद ऐसे लोगों को भेजा था इस मदीना वालों को चूंकि इमाम हुसैन आसम की शहादत के बाद ये सबसे पहला क़याम भी इसको कहा जाता है तो वहाँ पर जो वाकयात पेश आए हैं साल जब गुजर गया हर्रा के बाद साल जब गुजर गया तो मदीना में सहाबी जादियों के शिकम से एक हज़ार हरामी बच्चे जो वलदु जना थे वो पैदा हुए एक हज़ार तारीख में है एक हज़ार वल्दुल जना बच्चे वहाँ पर पैदा हुए मदीना मनवरा में सहाबीजों के शिकम से बस तमाम यानी आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर ये हालात जो है वो संगीन थे इमाम सज्जाद का दौर नहायत ही संगीन दौर है चूंकि अहल बैत के जो वफादार थे उनको कत्ल कर दिया गया फिर लोगों ने वाक हर्रा को देखा और उसके बाद जो फौरन दौर आता है हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर का दौर नेत ही सख्त दौर हजरत जो है इस दौर में कोई बंदा अपने आप को शिया नहीं कह सकता था कि मैं शिया हूँ एहल बैत का मुहिब हूँ कोई कह ही नहीं सकता था मारवानियों का दौर है शदीद खतरनाक दौर वहशतनाक दौर जहाँ पर सिर्फ शिया कहना और यह कहना कि मैं शेह कहना नहीं सिर्फ ये कहना कि मैं अहिल बैत का मुहब हूँ ये लोग जिन्होंने अल्लाह के मसनत पर बैठ के हुकूमत कर रहे थे वहाँ पर आल रसूल के लिए कोई कोई अमन नहीं था और हता आल रसूल से मोहब्बत करने वालों के लिए अमन नहीं था वजह क्या है हमारे पास ये अहादीस का जो सिलसिला है ज़्यादातर हजरत इमाम सादलाम से है क्यों दूसरे आयमा से क्यों तैदा कम है चूंकि लोगों का जाना नहीं था कौन हसूल करे कौन हदीस पूछे इस किस्म के हालात अब यहाँ पर इमाम मोहम्मद बाकी सलाम ने चूँकि उनकी जिस तरीके से उन्होंने एक इस्लामी और मजहब मुसलाम को बचाने के लिए यही किया कि तकिए को आम कर दिया भाई तकिया है तकिया है कोई जो है वो तकिए से बहर नहीं चूँकि चूँकि ख़तरे में है तादाद कम है ममिन की और ख़तरे में है क़त्ल हो जाएंगे इस दौर में हज़रत ज़ैद इबन आली जो कि इराक़ में दफन है उसने ये कहा कि मैं क़याम करना चाहता हूँ इंतकाम खून इमाम हुसैन आसम के लिए कयाम करना चाहता हूँ हत इमाम मोहम्मद बाकर आलम के पास गए और कहा कि आप भी हमारे साथ इस क़याम में ये क़्याम मुख्तार से पहले का वाक़ है देखें ये तारीख़ में है मुख्तार क़्याम मुख्तार से पहले का वाक़ उसके बाद जो कहे तवाबीन का दौर है फिर तवाबीन तवाबीन का क़्याम है और उसके बाद मुख्तार इबन उबैदा काफ़ी रजवानल तैय है, ये 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 क्याम का सिलसिला सबसे पहला क़्याम करने वाला जैद इबन आली है ईमा मोहम्मद बाकर की ख़दत में आ जाता है और कहता है कि आप हमें हमारे साथ हमरा कीजिए ताकि हम जो है वो कयाम कर सके अपने जद मज़लूम सैद शहदा अलतम के ख़ून का इंतकाम ले सके। हज़रत ने मना कर दिया उसने कहा, जैद इब्न आम ये खुद चूँकि भाई है फरमाया कि मेरे भाई ये जो है ये क़याम ये ख़तर है और ख़ुदकुशी है अपने आप को कत्ल करने वाली बात है तो इसमें तारीख में यह है कि हज़रत जैद जो है वो नाराज हो जाते हैं और चले जाते हैं, क़्याम कर लेते हैं फिर शहीद भी हो जाते हैं यानी इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि खुद इस दौर में हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम असलन इस चीज़ के क़याम के उसमें जो है वो नहीं होते यानी इससे पहले जो जो क़याम हुए हैं उससे पहले के क्याम जो कि तवाबीन का क्याम था या मुख्तार का कयाम था उसके बाद ये तीसरा क़याम होता है तारीख में क्या तो हो सकता है मैंने थोड़ी सी तसलसल में और बात में थोड़ी सी गलती कर दी लेकिन असल ये है कि खुद ये तीसरा क़्याम था सबसे पहले तवाबीन का क़याम जो सबसे पहला था और उसके बाद जो है मुख्तार का क़याम और उसके बाद जो है हज़रत जैद इबन अली कायाम तो ये एक ऐसा वाक़ है चूंकि वो दो क़याम ख़ुद हजरत इमाम सजाद सलाम के ज़िंदगी में हुए थे तीसरा क्याम इमाम मोहम्मद बाकर सलाम के दौर में अब यहाँ पर जो वाकया है और जो सबक है वो ये है कि हम लोगों को जब जुल्म और ये बढ़ जाते हैं तो हमें दूसरे उमूर की तरफ निगाह करनी चाहिए ये नहीं कि हम वहाँ पर तलवार उठाए एक हदीस जो है हज़रत इमाम सजाद से भी है सनवान से कि ज़मान गैबत में बल्कि फरमाया कि खुद इमाम हुसैन आलम के बाद ख़ुद मना किया गया है इस किस्म के क़याम करने से और इनके लाभ लापरपा करने से मना किया गया है और बहुत सारे का कहना भी यह है कि मुख्तार भी कोई हुकूमत के हसूल के लिए उसने तलवार नहीं उठाई थी बल्कि मुख्तार ने जो है वो सिर्फ़ इंतकाम खून इमाम हुसैन आलाम के लिए तलवार उठाई थी और तो जहाँ बाद में शहीद भी हो गए थे तवाबीन भी इसी तरीके से शहीद हुए थे और हज़रत ज़ैद इबन अली भी शहीद हो गए तो ये एक तारीख़ है और ये यहाँ से मैंने मुख्तसरन ये बयान कर दिया कि इमाम किस हालात में अपनी ज़िंदगी को बसर फरमा रहे थे नहायत ही सख्त दौर नहायत ही सख्त दौर अलबतः मजहब अहले बैत के लिए हर दौर में सख्ती रही है लेकिन ये, ये मैं एक चीज़ अर्ज करूँ कि खुद आ, शहादत इमामसैन आल्लम के बाद जो इमाम मोहम्मद बाकर का दौर है और उससे पहले हज़रत इमाम सज्जाद का दौर नहायत ही सख्त दौर रहा ये, ये दो इमामों का फिर बाद में जो इमाम सदकाम का दौर आ जाता है तो इब्ताई दौर में कुछ सख्तियाँ हैं लेकिन बनवा अब्बास और बनु अमैया के दरमियान जो जंग हो जाती है तो गोया के एक रहमत होती है वह और कुछ दिन और कुछ महीने के लिए और कुछ सालों के लिए ये सिलसिला जो है कुछ ना कुछ बेहतर हो जाता है तो ये वो वो तारीख़ है कि जिसमें हम लोगों ने दिक्कत करनी है और आ, हर किस्म की कुछ ऐसी चीज़ें होती है देखें कि तारीख़ में ज़िंदगी है जो अहले बैत की हो सकता है कि उसको इंसान पूरी तरह मुताला ना कर सके लेकिन उस हद हाँ तक के जहाँ तक ज़रूरत है यानी उन नुकात की कि जो जो नुकात जो है नहायत ही मुहिम नुकात है उसको पढ़ना ज़रूरी है और हर शिया के ऊपर ज़रूरी है हकीकत यह है यह कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आलिम जाके इन चीज़ों को पढ़े, नहीं बल्कि ज़रूरत यह है कि हम जो है इसको पढ़ सकें और बेहतर तरीके से इसका मताला कर सके और यह हमारे लिए गोया ज़िंदगी में एक मश राह है हम इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे तो ये एक सिलसिला अब यहाँ पर यह है कि चूँकि आज जो है इस वनवान से मैंने कुछ गुफ्तगु की हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर के नवान से कि आज जो है वो योम विलादत है खुशी का मौका है और इसमें जो है हमारी खुद की जिम्मेदारीों में से जैसे खुद किताब मिकियाल मिक्याल मक, मकारम में आ, जो ज़िम्मेदारियों में से लिखा है उसमें से एक हमारी ज़िम्मेदारी जो कि ये हो जाती है कि हम खुद अहले अहिलम के आयाम विलादत और आयाम शहादत को इस तरीक़े से इस तरीक़े से अंजाम दे के उसमें जो है वो हम अहल बैत के ज़िक्र को भी कर सकें और साथ में इन्हीं के बरक़ात से हम जो है दुनिया तक भी ये पैगाम को पहुँचा सकें देखिए दुनिया तक जहाँ तक पैगाम का एक सिलसिला है जो कि हमें करना चाहिए वो यही है कि लोगों की आशनाई वगर न ये दीन जिस तरीके से चला है और दीन का जो सिलसिला है जिस तरीके से दीन की तरवीज हुई है यकीनन ये एक मौजज़ाती तरवीज है अल्लाह ने ऐसे चाहा तो ये हुई वगरना जो हालात है मैंने अभी पेश किया कि खुद इमाम सजाद और इमाम महमद बाकर के इस दौर में जो कि शदीद सख्तियाँ थीं और दूसरा जो जो गालिब आ चुके थे दुश्मन ने अहिल तो वो यकीन बज़ाहिर जो है वो गालिब आ चुके थे और मेरी गुफ्तु भी हक और बातिल में फ़र्क के केनवान से चल रही थी तो हक और बातल में देखें अगर आप यहाँ पर गौर करें तो हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर था था। और उसके अलावा जो लोग हैं यकीन वो ताबूत है बज़ाहिर तावूत की हुकूमत है यानी चाहे वो बनी व का दौर है या दूसरे आदवार में तावूत की हुकूमत है और हक जो है वो मख्तर है लेकिन उस मख्तसर के बावजूद भी ये सिलसिला जो है वह आगे चढ़ा चला और आगे आज जो है हम इसका हिस्सा है इस इस कारवान का हिस्सा जो है वो आज हम है यानी ये सिलसिला ये ये मिशन इलाही ये मिशन इलाही और ये ये चीज़ें इब्तदाई इप, अदवार से हैं हम क्या है कि हम इसका हिस्सा बन चुके हैं तो हम लोगों को चाहिए कि हक और बातिल के दरमियान इस फ़र्क को बिल्कुल जो है वो महसूस कर सके और ये सिलसिला रवा दवा है यहाँ तक के मुंजी का ज़हूर हो जाए और जब मुंजी का ज़हूर होगा तो वहाँ पर भी यही हक और बातिल के दरमियान जंग होगी यानि इन सब मज़ालिम का जितने मजालिम हुए हैं तूले तारीख में सबसे सबसे सख्त वाकयात शहादत हुई है इस कारवान को चलाने में मैं ये कहता हूं कि हक़ हाँ की हक़ हाँ के दिफा करते करते हक हाँ को आगे पहुंचाने के लिए जो अहिल की शहादत वाक़ हुई है और उसमें से अजीम शहादत हज़रत इमाम हुसैन आलातम की है और दीगर आमा की ये सिलसिला आगे रवा दवा है और आज हम इस दौरे गैबत कुबरा में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो कि एक अजीब दौर है और उसके बाद जो दौर आने वाला है वो असर ज़हूर है अशर ज़हूर जो है ये उन दिनों में से है जो फरमाया कि खुद उन मुहिम दिनों में से जिसको आयामुल्लाह कहते हैं खुदा के यौ कहते हैं आयामुल्लाह हर उस दिन को कहते हैं जो जो खुदा की तरफ लोगों को खुदा की तरफ उसको उस दिन से खुदा की तरफ इंसान खुदा की तरफ रगबत हो जाए लेकिन जैसे आज जो है विलादत का दिन है यामुल्लह है ये पूरा महीना शहरुल्ला है खुदा का महीना है और लेकिन लेकिन मखसूस जो हदीस में वारद हुआ है कि आयामल्ला में से एक दिन जो है वो ूर है ूर हज़रत इमाम ज़माना अजलल्ला ताल फरजहु जशरीफ जब हज़रत ूर फरमायेंगे तो यकीनन हम लोग अगर, अगर अपनी ज़िंदगी को उस टाइम तक सही गुजार इस कारवान का हिस्सा बन के गए हो ये मुहिम है देखिए मैं ये आ, वक्त जो है वो बिल्कुल इंतहा पर है मैं ये कहूँ इस कारवान का हिस्सा बनना जरूरी है इस कारवान हक का हिस्सा बनना जरूरी है और अगर हम इसका हिस्सा है तो यकीन अगर हमारी मौत भी वाक्य हो जाती है कबल ज़हूर तो वो भी हम चूंकि इस कारवान का हिस्सा बन के मरे हैं तो अगर हमारी मौत भी हुई है लेकिन हम इस ह... अहल हक़ हाँ का हिस्सा है तो यकी हमारी मेहनत जो है वो रहेगा नहीं जाएगी मुहम ये है कि हम अहल बै तो के रस्ते को जो कि बेशक और इसमें कोई शक नहीं है कि हक़ हाँ का रास्ता है इसी हक हाँ के रस्ते पर गामजन हो जाए ये न सोचे कि हमारी हम कब तक ज़िंदा रहेंगे और कब तक इस दुनिया में रहेंगे दुनिया में रहना मुहम नहीं है ये बौध बौद्ध सालिस है तीसरा बौद है और इसके बाद जो बौद्ध रब है यकी वो अलम बरसक़ है बेशक हम जहाँ कहीं पर भी है रूह के लिए दवाम है जिसमें जो है वो तब्दील होती रहती है हम लोगों को इस हक के साथ ही इन आप को मुलहक करके रखें और यहाँ तक के हज़रत इमाम जमाना फरज़ शरीफ़ का जहूर हो जाए अहल हक है तो अहल हक़ के साथ ही रहेंगे और इन शजीज हम सब एक दिन आके बदबैरी तक पहुँच जाएंगे और हमारी सब की उम्मीद इमाम ज़माना जल्ल फरज़ व शरीफ है हजरत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ गो है अल्लाह अज्जल ले वली कल फरज